हेलो गाइस, आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ जो देसी खाना। तो देसी खाना कैसे बनेगा, मेरा मिट्टी का बर्तन में खाना बनाने के लिए पूरा तैयार कर लिया। छोटा छोटा आलू और सोयाबीन का 3 पैकेट, हम इसको मीट जैसे बनाते हैं उसी तरीके से हम बनाएगा। और चूल्हे का रोटी भी बनाना है। पहले हम आलू साफ कर दिया बढ़िया से, और आलू को उबाल के प्रेशर कुकर में, और ये भी हम उबाल के रख दिया सोयाबीन। फिर हम मसाला, अदरक और प्याज सब कुछ हम काट के तैयार कर लिया। इसको उबाल के बढ़िया से फिर इसको पकाया अच्छा से, पहले मसाला का साथ बढ़िया करके पकाया। और इधर में छोटा छोटा आलू को हम फ्राई करके रख दिया, उसको छिलका हटा के। तो बढ़िया तरीका से बनाया इस खाना। तो देखो दोस्तों, बढ़िया है, लकड़ी का खाना बहुत देसी है, इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हो घर पर, तो बढ़िया लगते हैं। तो ठंडी का मौसम में देखो तापने का भी काम आते हैं और खाना भी बन जाते हैं। और वो जो नीचे जो आग है उससे वो जो राख बाद में जो रहेगा उसी से हम रोटी भी बना सकते। तो 3 in 1 एक बार में हम काम कर देगा इसी रन्ना की से। तो बढ़िया से देख लो, लास्ट तक देख लो, बने रहो मेरा वीडियो पर। तो देखो कैसे हम लोग बनाते। हम पहले हम ट्राई किया, ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया है ऐसे रन्ना। तो देखो खाना बहुत बढ़िया तरीका से बन रहा है। तो बाहर के लोग, मतलब हम लोग तो बंगाली है, बंगाली खाना ऐसे नहीं बनते। हम काफ़ी लोगों की देख लिया, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये लोग ऐसे खाना बनाते हैं। तो वो लोग का खाना देख देख के हम भी थोड़ा बहुत सीख गया। दोस्तों मेरा खाना बनाने का तरीका, ये बंगाली में ये लोग ऐसे नहीं बनाते, हम जैसे बनाया। और देखो ये जो राख है बाद में आग की है, इसी से हम रोटी बनाया। देखो ऊपर में रोटी सेक के, थोड़ा बहुत सेकने का बाद नीचे इसको डाल दिया। डालने के बाद पूरी अच्छी तरह से गए, ये पक गया। तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। आप लोग जरूर कोई ढाबा, रेस्टोरेंट, को शादी का घर पे आप लोग ऐसे खाना खाए, लेकिन घर पर कभी कोशिश नहीं की आप लोग। तो वो लोग के लिए ये बेहतरीन एक सिस्टम है। आप लोग ये ठंडी का मौसम में ऐसा खाना ट्राई ज़रूर कर लीजिए घर पर। तो दोस्तों आप लोग को दिखाने के लिए हम देखो ये सब चीज़ इंतज़ाम किया घर पर भी। खाना हम ऐसे बना के सब लोग को खुश कर दिया। हम पहली बार बनाया लेकिन फिर भी थोड़ा ठीक ठाक ही हुआ। तो बाद में और भी अच्छा तरीके से बनाएगा, तो फैमिली को हम पूरा खुश रखेगा ऐसा खाना खिला के। तो इधर का गेहूँ भी बहुत बढ़िया है, 4-5 रोटी तो आराम से खा लेते हम लोग, चावल भी खाते हैं। तो रोटी भी हम लोग बहुत पसंद करते हैं, ऐसा रोटी तो बहुत मुश्किल में मिल रहा है। तो फिर भी हम लोग कोशिश किया तो खाना भी अच्छा से पका लिया। तो दोस्तों देखो बहुत बढ़िया है ये रोटी, बहुत अच्छा है, मुलायम भी बनते हैं, इसका फाइबर भी बहुत अच्छा है। तो बढ़िया से हाथ से हम छोटा छोटा, थोड़ा मोटा होता है ऐसा रोटी, थोड़ा मोटा बनाना पड़ता है। घर में जो गैस का चूल्हा में जो बनते हैं हम लोग, थोड़ा पतला है, और ये थोड़ा मोटा बनेगा। दोस्तों देख लो, हम खुद बना लिया, किसी से हेल्प नहीं लिया, मेरा फैमिली है, किसी को हम नहीं बुलाया, हम अकेला ही बना लिया सरप्राइज देने के लिए। देखो कितना बढ़िया आग जल रहा है और ताप भी बहुत अच्छा लिया। तो ठंडी बहुत ज़्यादा ही है इस टाइम में, इधर का टेम्परेचर 7-8 डिग्री है। तो फिर भी हम अकेला ही बना लिया ये ऐसा खाना। दोस्तों आप लोग ज़रूर ट्राई कर लीजिए। और इधर में कोई कोई लोग देखो खेत पर जाते हैं, पहाड़ में जाते हैं, जाने का बाद 4-5 लड़का जाके दोस्त मिलके तो ऐसे पिकनिक बना लेते हैं वो लोग। तो इसी तरीका हम पहले बहुत खाया, उसी के एक्सपीरियंस आज हम घर पे काम पर आया। तो ज़रूर बनाए, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है, हम खा के देख रहा है। देखो दोस्तों कितना मुलायम है, कितना मुलायम, और सब्जी भी दिखाएगा। तो धीरे धीरे मेरा खाना तैयार हो गया अभी। तो देखो दोस्तों ये देखो सब्जी कितना बेहतरीन बन गया, इसका खुशबू थोड़ा अलग से हट के है। तो इसमें गोल्डी मसाला डाल दिया, किचन किंग गरम मसाला, वो भी हम डाल दिया, बहुत
अच्छी तरीके से पकाया इसको। मेरा देखो बड़ा लड़का भी आ गया खाने के लिए, वो घर पर और बैठ नहीं पा रहा है, उसका खुशबू इतना अच्छा लगा, वो जल्दी आ गया देखो थाली लेके। तो ये भी उसको भी हम रोटी वोटी सब्जी सामने रख दिया, वो खुद ले लिया। तो बढ़िया है दोस्तों, देखो कितना अच्छा लग रहा है, सब खुशी से खा रहा है, अच्छा लग रहा है। यही तो है ना खाना बनाने का मतलब, यही है सब लोग खुशी से खाओ, खाना का थोड़ा तारीफ करो तब ना मजा आएगा दोबारा हम बनाएगा। तो देखो दोस्तों बढ़िया लगा आज के दिन के, और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसा वीडियो मिलेगा बराबर आप लोग को देते रहूँगा, और मेरा शॉर्ट वीडियो भी